मॉर्निंग, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूं। मध्य प्रदेश में लोक गायन और उसकी शैलियां। लेकिन एक इससे पहले एक न्यूज आपको बता दूं, आज जो भारत बंद बुलाया गया था उसका हिंसक आंदोलन हुआ जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हुई। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। और मेरे गृह नगर में कई लोगों की भी डेथ हुई है, तो मैं सभी से कहूंगा उसका रिप्लाई ना दें, शांति बनाए रखें और आगे अपना बढ़ें। गलत हुआ सब मानते हैं, लेकिन शांति को बनाए रखना जिम्मेदारी है आप सभी की। हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दो वे में पढ़ेंगे। पहले हम साथ ही इसमें पहले तो एक चार्ट बताएंगे, मेंस में कैसे स्टार्ट करना है। तो पहले अपन डायग्रामेटिकली देखेंगे इसमें, फिर अपन देखते हैं कैसे इसको लिखना है। तो पहले डायग्राम पर अध्ययन देख लेते हैं। पहले हम मालवाई गायन देखें, तो ये जो गायन है भरतरी, लावणी, हीण, बरसाती, वार्ता, संजा गीत, निर्गुणी, तेजाजी कथा और भोपे। तो हम कैसे रखें याद इस लाइन को, इतने सारे गीत हैं। तो एक सिंपल सी लाइन, भर्तरी ने लावणी हीन गायन, बरसाती वार्ता के मौसम में, संजा के समय निर्गुणी तेजाजी की कथा गाई। फिर है निमाड़ के गायन, कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा ये एक वर्ग है, गरवा गरवी गवलन, गरवा गरवी गबलन, मासियाना या कायाखोर, संत सिगाजी और नागपंती। फिर है अपने बुंदेलखंड के गायन, तो एक लिंक से याद कर सकते हैं, ढोरा मारू जब कैसे आके हैं। हरदौल यहाँ का प्रसिद्ध गीत है, तो हरदौल ने ढोल मारकर आला फाग के दिन बबूलिया और बराइटा गायन गाए। हरदौल ने ढोल मारकर आला और फाग के दिन बबूलिया और बराइटा गायन गाए। साथ ही यहाँ पे बम्बोला और बन्ना गीत भी गाए जाते हैं। बघेलखंड में देखें तो चार शब्द याद कर सकते हैं, बराइटा, बबूलिया, बन्ना वन्नी और बम्बोला। ये चार बावकरी से, और बाकी सब वाले यहाँ पर आएंगे। बावन से विदेशिया, वसदेपा, विरहा, दिवारी, सीधे और बांस गीत। अब इसका अपन पहले तो अगर चाहो तो ये डायग्राम मेंस में लिख सकते हो और बना सकते हो। अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना है तो जो मैं अपने फ्लो चार्ट बनाए हैं उसके आधार पर देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में आप इस प्रकार के एक फ्लो चार्ट बनाए, मध्य प्रदेश के लोक गायन। तो देखो मैंने अलग अलग किया, पहले मैं निमाड़ की जो लोक गायन है उनको एक साइड लिखे और मालवा को एक साइड लिखे। मैंने ऐसी चार्ट बनाई, पहले मैं सबसे पहले इन गायनों का एक सिंपल से लिखूंगा, मध्य प्रदेश में गायन के ऊपर एक सामान्य परिचय जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो मालवा में जो निमाड़ की गायन है, निमाड़ लोकगीत, संत सिगाजी, निर्गुणिया, नागपंथी, मासियाना, गरबा गरबी गबलन, फाग गायन, इसके साथ कलगी तुर्रा। मालवा की बात कर ले, मालवी, भरतरी, भोपे, निर्गुणी, संजा, हीण, बरसाती, वार्ता। अब इसके बाद बुंदेलखंड की लोक गायन शैली, बुंदेली लोकगीत, आला गायन, भोला गीत, बबूलिया, फाग, वराइटा, देवारी, जगदम्बे के पुआराम है। बघेलखंड की शैली देख लें तो बघेली लोकगीत, वसुदेवा गीत, बिरहा, विदेशिया, बांस गीत और अन्य भी होते हैं इसमें। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में लोक गायन की प्रमुख शैलियां। देखो शैली का भी क्वेश्चन आता है, तो इसके आगे आपको जहां से अगर शैली पूछी गई तो ही आप शैली बताओगे, अन्यथा ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा हट जाएगा, वहां पे हमको शैली नहीं सॉल्व बतानी है।
ये अलग से क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक गायन शैली का उल्लेख कीजिए कि किस प्रकार से हम शैलियों में गायन करते हैं वो चीज। अगर ये नहीं आया तो अपन इसके बाद जो जहां से क्वेश्चन होगा जो अपन छोड़े हैं उनका सबका डिस्क्रिप्शन नीचे रह गया। बस पहले देखते हैं भोपे शैली क्या है। ये मालवा अंचल की लोक शैली है जिसे भोपे समुदाय द्वारा विकसित की गई। इस शैली की प्रमुख विशेषता है षणवाचना, जिसका अर्थ है देवताओं की स्तुति करना। कई बार षणवाचना में मनोती भी ली जाती है। गायक कला का जिस देवता की षणवाचना कर रहा है इसके चित्र को ताबीज गले का धारण करता है जिसे नावा कहते हैं। भोपे स्वयं सरस्वती को पुत्र मानते हैं और गायन की शुरुआत में हे सरस्वती माँ मैं तुम्हारा स्मरण करता हूँ से होती है। भोपे समुदाय में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय सम्मिलित होते हैं। हिंदुओं में चौहान, सिसोदिया, भाटी, पवार, मुसलमान में बहलोल, खिलजी, गौरी, काजी प्रमुख हैं। तो ये हुई हमारी शैली। ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ उज्जैन में प्रचलित है। आप देखते हैं दूसरी शैली। दूसरी शैली है भाट, भांड या चारण। अपने यजमान या आश्रयदाता इनाम प्राप्त करने के लिए इन गीत गायन की शैलियों का विशेषता है। इस शैली का जो संस्थापक है पृथ्वीराज चौहान है, जिसे जो कवि था चंद्रवरदाई को माना जाता है। इस शैली में डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। डिंगल भाषा में बता दे इसमें क्या राजस्थानी भाषा को लिया जाता है जिसमें ठा था टा वर्ग रहता है उसके अक्षर होते हैं। साथ ही वीर रस की उत्पत्ति होती है। तीनों शैलियों में यश करती प्रमुख होती है लेकिन कई कई इसमें अप रस गीत भी मिलते हैं। नट शैली, नट शैली नट वैसे समुदाय तो कहा जाता है जो जीविका हेतु शारीरिक कर्तव्य दिखाते हैं। कर्तव्य में प्रदर्शन इनके द्वारा प्रस्तुत गीत ही लोक गायन नट शैली के रूप में प्रस्तुत हुए। एक उत्साहवर्धक शैली है जिसमें दो या तीन महिलाएं ढोलक की थाप पर गायन गीत गाकर मनोरंजन करती हैं। आंख चेहरे की विविध स्वरूपों द्वारा भाषा की अभिव्यक्ति इस शैली की विशेषता है। पूर्व में इस कला को राष्ट्रीय आश्रय प्राप्त था लेकिन अब यह मेले ठाट बजा आदि में अपनी शैली को प्रस्तुत करते हैं। कालबेलिया शैली। यह शैली मूलतः तो राजस्थान की लेकिन मालवा में इस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ये कालबेली जाति के लोगों द्वारा विकसित की गई। इस शैली में चंग नामक वाद्य यंत्र का श्रृंगार प्रधान गीत गाए जाते हैं। फागुन के महीने में कलाकार निर्गुणी भक्ति पर आधारित भजन के साथ साथ नाच गान की प्रस्तुति भी सामूहिक रूप से देते हैं। फिर देखते हैं अपन आगे भरतरी शैली। यह शैली कवि भरतरी की लोक कथाओं पर आधारित है। इसमें भरतरी की रचनाओं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और भरतरी कहानियों का लोक भाषा में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। भरतरी गायन नात्र संप्रदान के गायक करते हैं। वाद्य यंत्रों में सारंगी इकतारा का प्रयोग करते हैं। यह शैली सामान्यतः छत्तीसगढ़ से संबंधित है लेकिन इसका प्रचलन मालवा में जीवन की सार्थकता और संसार के सारहीन स्वरूप को व्यक्त किया जाता है। इसी शैली का विकास मुस्लिम काल में हुआ। सूरज भाई खान इस शैली की प्रमुख कलाकार हैं। पंडवानी शैली। महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी बोली में प्रस्तुतिकरण पंडवानी कहलाया। यहाँ वास्तव पांडवों की कथा होती है लेकिन कालांतर में इसमें कई प्रसंग जोड़े गए हैं। इस शैली में संगीत कथा अभिनय का अद्भुत समन्वय होता है जिसमें कलाकार विभिन्न मुद्राओं में खड़े होकर अभिनय गायन नृत्य समृद्ध रूप से करते हैं। साथ ही कलाकार बीच में अच्छा अरे तो फिर जैसे शब्द बोलकर गीत को रोचक और वातावरण को हल्का बनाए रखते हैं। पंडवानी गायन की परंपरा छत्तीसगढ़ की बेवा जनजाति में पाई जाती है। इसके प्रमुख कलाकार तीजन भाई, रितु वर्मा। तीजन भाई को इसके लिए सरकार के द्वारा कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। घोटुल पाटा निकोर शैली है। यह मुंडिया आदिवासी के मृत्यु गीतों पर एक विशेष शैली होती है जिसे घोटुल पाटा कहते हैं। यह आख्यान परक शैली है जिसमें बुजुर्ग लोग गाते हैं। इसमें मुख्यतः जो लोक सहायक की कथा गाई जाती है।
नेक्स्ट है हमारा ढूला मारू। ढूला मारू बेसिकली बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। ढूला गाथा, इसमें प्रेम गाथा नामक जो प्रेम मार्गी गाथा है उसके लिए प्रसिद्ध गाय गीत गाए जाते हैं। ढूला मारू प्रेम कथा सर्वोपरि होती है। ये राजस्थान से लिया गया है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ में अलग अलग शैलियों में प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है ढूला मारू। कलगी तोरण निमाड़ अंचल का प्रतिष्ठात्मक लोक गायन शैली है, जिसमें कलगी यानी शिव उपासक, तुर्रा यानी शिवपन, दो अखाड़े दलों के मध्य साप्ताहिक वाद विवाद होता है। चंग की थाप पर कलगी तुर्रा का गायन रात भर किया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में प्रचलित उपरोक्त लोक गायन शैली मध्य प्रदेश की लोक परंपरा तथा संस्कृति को अक्षुण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। इन शैलियों में मध्य प्रदेश विश्व रंगमंच पर विशेष स्थान दिला है। मध्य प्रदेश के लोक गायन, अब हम निमाड़ के जो अपन क्वेश्चन छोड़ के आए थे उसके बारे में देख लेते हैं। निमाड़ का ये इसका दूसरा भाग रहेगा गायन शैली का, जो मैं आज ही आपको सभी को वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है तो प्रॉब्लम करेगा, क्रिएट करता है, इसलिए मैं आपको छोटी वीडियो में इसको दे रहा हूँ। इसका दूसरा भाग आज के ही दिन अपन देंगे। इसके लिए इतना ही। जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन दबाएं जिसके आपको क्लास कंटिन्यू मिल सके।